विकास के नाम पर ढोंग, ये विकास के नाम पर ढोंग ये जो सरकार कर रही है, महाराष्ट्र सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार या आंध्र प्रदेश सरकार, इसका एक सीधा सीधा उदाहरण है कि 1921 में अंग्रेजों के ज़माने में 16 नंबर रोड नेशनल हाईवे कागजों पर बना। उसके बाद में शिवसेना गवर्नमेंट जब अपने यहाँ पर महाराष्ट्र में थी, गोपीनाथ के मुंडे के उपमुख्यमंत्री के भाई, वो नक्शा लेकर निज़ामाबाद टू जगदलपुर जाने के लिए निकले, तो जगदलपुर जाते जाते वो आके चेन्नूर करके आंध्र प्रदेश में रुके, तो वहाँ कोई हाईवे नहीं दिख रहा, उनको पूरी मट्टी दिख रही। तो ये आगे होंगे रोड, आगे होंगे करते करते प्राणहिता नदी सिरोंचा के लगी हुई अर्जुन उल्टा तक के आए। वहाँ आने के बाद भी उनको इतनी परेशानी हुई कि वेज रोड कहाँ है, रोड नक्शे पर रोड देखते नक्शा देखते हुए आए। एक मुख्यमंत्री का भाई, उनको ये नहीं मालूम कि नेशनल हाईवे हो चुका हो, समझ रहे। तो यहाँ आने के बाद में सिरोंचा को फ़ोन किए, तो सिरोंचा से यहाँ की पुलिस जाकर उनको यहाँ पर लेकर आई। तब तक उनको ये पता नहीं था कि नेशनल हाईवे है करके, और आज भी हम वो लोग कागजों पे देख रहे हैं, हम लोग हकीकत देख रहे हैं। तो उसके बाद में 1998 में थोड़ा सा जाग गई यहाँ की गवर्नमेंट, फिर उसके बाद में वो लोग नेशनल हाईवे को करने के लिए BRO का हैंडल किया काम, और 8 साल का मुदत दिया उनको, 8 साल की मुदत की जगह 13 साल भी हुआ, अभी तक कोई रोड का विकास नहीं हुआ, अभी तक रोड बना है। अड़थड़ा तो ये बताते हैं कि अपना फॉरेस्ट गवर्नमेंट परमिशन नहीं दे रही है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट परमिशन नहीं दे रही है, तो क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट झाड़ काटने के लिए, जंगल तोड़ने के लिए परमिशन दे रही है? बस विकास के नाम पर नहीं हो रहा। अगर मेन उद्देश्य सरकार का यही है कि छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, इसका अगर ये रोड बना रोड, तो यहाँ पर आदिवासियों का विकास होगा, यहाँ के लोग शिक्षित बनेंगे, यहाँ के लोग डेवलप होंगे। इनको डेवलप नहीं करना चाहिए, ये मकसद है उनका अंदरूनी मकसद। अगर ये रोड बना तो कम से कम 500-600 गांव यहाँ पर डेवलप होंगे, यहाँ पे निरुद्योग की समस्याएं हट जाएंगी, लोग गरीब नहीं रहेंगे। उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ में बैला ढीला जो लोहे की फैक्ट्री है, वहाँ से आंध्र प्रदेश को जाने के लिए बहुत लंबा सफ़र करना पड़ रहा है, वो इधर से भी जा सकता है। आज हमारे यहाँ कपास, तंबाकू, मिर्ची, धान, ये जितने भी यहाँ पर पीक निकल रहे हैं हमारे, इन पीकों को नागपुर ले जाना पड़ता है हमको। यहाँ हमको आंध्र प्रदेश का हैदराबाद जो बाजार है या फिर वरंगल बाज़ार है, हमारा गढ़चिरौली ज़िला 250 किलोमीटर पे है, तो उससे नज़दीक आंध्र प्रदेश का हमारा मार्केट है। हमको ज़िला जाने के लिए बॉम्बे तो पूछो ही मत, 1600-1700 किलोमीटर है, तो यहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते। अगर ये कम से कम ये बनाए, हमारा कितना विकास हो सकता है। इस बार वाकई में अगर गरीबों का विकास का अगर ये सरकार सोचती होगा तो ये कब का क्या कर देती। सरकार के विचार में कोई उद्देश्य उनका है ही नहीं। सरकार किसकी है, सीधी बात है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार है, सेंट्रल में कांग्रेस की सरकार है, आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, ये सारी सरकारें, ये सारे सब लोग एक मिलकर नहीं कर सकते क्या? क्या लोगों के बारे में सोचने के लिए प्रतिनिधि क्यों चुने जाते? ये प्रतिनिधि जो है तो जो हमारे दीवान जी है, हम वोट डाले तो हमारे लिए वहाँ पे असेंबली में पार्लियामेंट में काम करने के लिए उनको हम बनाए, लेकिन वो तो वहाँ बैठकर जेब भरने का काम कर रहे हैं, बाकी लोगों का विकास का उनका कोई उद्देश्य नहीं। आज़ादी के 63 साल के बाद भी सिरोंचा का विकास नहीं हुआ। नेशनल हाईवे नंबर 16 का काम पिछले 13 सालों से अधूरा पड़ा हुआ है, इसके और शासन का पूरी तरह से दुर्लक्ष है। कांग्रेस की सरकार है केंद्र में और दोनों राज्यों में रहने के बावजूद भी निज़ामाबाद के जगदलपुर ये नेशनल हाईवे 16 नंबर का काम है, 30-35 किलोमीटर का काम अभी 13 सालों में पूरा नहीं हुआ। तीनों ब्रिजों का काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, इसके तरफ शासन का कोई ध्यान नहीं है। सिरोंचा क्षेत्र का विकास के लिए कोई शासन प्रयत्न करते हुए नहीं दिख रही है। यहाँ पे अंतर्राज्य दर्जे का बस डिपो होना चाहिए, और गोंदियाते
विजयवाड़ा जो नेशनल हाईवे है उसका भी काम पूरा होना चाहिए। गोंदिया टू अपना काजीपेट का जो लोह मार्ग है जो गढ़चिरौली तक मंजूरी हुआ है, गढ़चिरौली अहरी आलापली सिरोंचा होते हुए जंक्शन में जोड़ना चाहिए काजीपेट के, लेकिन इस तरफ शासन के केंद्र के कोई भी मंत्री सिरोंचा या हमारे गढ़चिरौली ज़िले की तरफ ध्यान देते नहीं और यहाँ पे दूसरे कारनामे शुरू है। इसलिए मैं शासन से विनंती करूँगा कि हमारे क्षेत्र की तरफ ध्यान दें और ये आदिवासी बहुल एरिया है, इसका विकास होना अति आवश्यक है। महत्वपूर्ण विकास कार्यों की तरफ कांग्रेस का जो है दुर्लक्ष है और यहाँ पे जनता कांग्रेस के प्रति नाराज़ है।